जरा मुस्कुराहट, स्माइल, यस दैट्स इट। अरे बाहर चलो नहीं, फैमिली ग्रुप का फोटो लेना है, अगले साल हम जिंदा है या नहीं। आपने पिछले साल भी यही कहा था, चलो 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 चलो। रोशनलाल उन कागजात पर साइन कर दो। नो मोमेंट नाउ, ये हुई ना बात। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। अजय वो बास्केट आप मुझे दे दीजिए, आप क्यों उठाते हैं? क्या करें, कुछ दिनों में तुम फिर माँ बनने वाली हो, इतनी सेवा तो आपकी करनी ही पड़ेगी। अरे मुझे भी शाम के फोटो स्टूडियो जाना है, तुम बिल्लू को वहाँ छोड़ देना, सामने हॉस्पिटल है, जाके डॉक्टर से मिलाना। कल पार्टी में जो तस्वीरें खींची थी वो रील में शाम को देख रहा था, पता नहीं उसने अभी तक फोटोज बनाई भी हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई शाम, फोटोज हो गई? सतीश वो हाँ हाँ वो फोटोज तो सुबह ही हो गई थी। और भाभी क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ भैया, इस शैतान को आपकी दुकान पर छोड़ के जा रही हूँ, बस आधे घंटे में आई। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे तब तक इसके बाप से भी अच्छा फोटोग्राफर बना देता हूँ। ठीक है भाई, उड़ा लो मजाक। यार सतीश मैं भाभी के सामने बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत सीरियस मामला है। क्या? यही तस्वीरें है ना कल पार्टी में तुमने जो खींची थी। हाँ? इनमें से ये तस्वीर देखो। क्या है? यहाँ देखो। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी का खून। हाँ। शाम तुमने आज का अखबार पढ़ा था? क्यों? उसमें फ्रंट पेज पर करवे रोड की एक बिल्डिंग में किसी रोशनलाल के मर्डर की खबर छपी है, और पार्टी भी करवे रोड पर ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसी रोशनलाल के मर्डर, लेकिन कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना हिस्सा एनलार्ज करके देखा। यार सतीश समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। चलो पुलिस को फोन करते हैं। है? चलो चलो। जोगेश्वर दयाल जी आप पूरा इत्मीनान रखिए, हम रोशनलाल जी के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। इंस्पेक्टर साहब कहने को रोशनलाल जी मेरे दोस्त थे, सच पूछिए तो भाई से बढ़कर थे मेरे लिए। राणा साहब, एसपी साहब आपको याद कर रहे हैं। जोगेश्वर दयाल जी आप जरा बैठिए, मैं थोड़ी देर में आया। हेलो, जी हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ देखिए जी, वो आज जो अखबार में खबर छपी है ना, करवे रोड पर एक मर्डर हुआ कल, हाँ हम आपको उस खूनी की तस्वीर दे सकते हैं। जी हाँ, खून करते हुए। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास वो तस्वीर कहाँ से आई? अच्छा, सुनो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम खुद वहां आ जाएंगे, बस अपने स्टूडियो का पता जरा अच्छी तरह समझा दो। ये क्या, ये तो एनलार्जमेंट, ये लो आपके बेटे ने एनलार्जमेंट फाड़ दिया। अरे कोई बात नहीं और बन जाएगा, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहाँ गया? चलो जाने दो, ये तो है ही ना हमारे पास, अगर कहेंगे तो इसका एनलार्जमेंट एक और बना दूंगा। ठीक है मगर पुलिस तो अभी तक आई नहीं। ऐसा करते हैं सुधा, तुम बिल्लू को लेकर घर जाओ, मैं फिर बाद में आता हूँ। अरे छोड़ दो ना ये बास्केट, मैं ले आऊंगा। मगर इसमें तो बिल्लू का सब सामान है। हाँ हाँ मुझे पता। अच्छा ठीक है, चलो भाभी मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, और मैं पुलिस को एक बार फिर से फोन कर देता हूँ। अच्छा आओ बेटे, चलो मैं यही हूँ। हाँ और देखना मेरे स्टूडियो का ख्याल रखना सतीश। यही कहिए, आप ही ने पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी हाँ, मगर आप? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, लाइए वो तस्वीर दिखाइए। ये लीजिए, ये पीछे देख रहे हैं आप? इसकी और कितनी कॉपीज हैं आपके पास? बस यही है। नेगेटिव? ये लीजिए, ये। अब मुझे आपका बयान लेना होगा। हाँ जरूर। आपके अलावा और किसी ने ये तस्वीर देखी है? हाँ मेरी बीवी ने और शाम ने, ये स्टूडियो उसी का है। कहाँ है वो? हाँ बस अभी आता ही होगा, यहीं तक। इसको जला दो। और इसको? इसको इसको इसके घर वाले जलाएंगे,
हमारा काम तो सिर्फ मारना है। इसके अलावा ये तस्वीर इसकी बीवी ने भी देखी थी, उसको ढूंढो और खत्म कर दो। और वो स्टूडियो वाला शाम भी तो है, वो कहां जाएगा, अभी आता ही होगा। ये रहा, पकड़ो इसे। भाभी आप अभी तक यहाँ? क्या बात है? वो चलिए मेरे साथ। बात क्या है? चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, चलिए। शंकर, उस टैक्सी को फॉलो करो। जा रहे हो? वो कहाँ है? बताता, क्या हुआ? बताता हूँ। सतीश ने जिस खूनी की तस्वीर खींची थी, उसने सतीश को मार डाला। अभी क्या हुआ? अरे क्या हो गया? किसी के पास पानी है? ये लाइए, लाइए, मैं लेके आऊँ। आप थोड़ा पानी दे दीजिए। लाइन में आइए। देखिए वो औरत बेहोश है। प्लीज आप लाइन में आइए। ट्रेन जाने वाली। कृपया ध्यान दें, एक नंबर प्लेटफॉर्म की गाड़ी डकन एक्सप्रेस बॉम्बे विटी को रवाना हो रही है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ले लें। मेरी वो आदमी किधर को गया? ट्रेन चलने वाला है। ये ट्रेन कहां गई है? बंबई। बंबई? दूसरी ट्रेन कब जाएगी? 2:10 पे। बस अगली गाड़ी से मैं बंबई चला आया, लेकिन सुधा भाभी का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। अब इस बच्चे का क्या होगा? कौन बिल्लू? अब जब तक वो नहीं मिलती तब तक मेरे सिवाय इसका और है ही कौन। लक्की है आपको लड़का हुआ। हाँ। ओह गॉड, हाउ ब्यूटीफुल है ना? नोज बिल्कुल आपका माफिक है। रो नहीं सिस्टर, रो नहीं। गॉड ने तुमको बेटा दिया है और तुम रोता है। देखो ना कितना स्वीट बच्चा है। शाम क्या? अरे विनोद बेटे, तुम कब आए? अभी। श्यामचा एक बात कहूँ?
हाँ हाँ कहो बेटे। वो फोटो का टुकड़ा मुझे दीजिए। क्यों? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना उस बुरे आदमी को पकड़ूंगा जिसने मेरे बाप को मार डाला। अरे पहले बड़े तो हो जाओ और फिर खूनी को पकड़ना है तो तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। श्याम चा तुम्हें पता नहीं बड़े होके मैं पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। मेरी एक ही बेटी है इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक ही बेटी है, जिस कमीने ने उसके साथ उसे मत छोड़िएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ उस कमीने को कभी मत छोड़िएगा इंस्पेक्टर साहब। पाटिल क्या हुआ? बेचारा गरीब आदमी है, इसकी बेटी को काम के बहाने वो मार्केट में बिल्डिंग है ना चंद्रमिलास, वहाँ किसी ने बुलाया और वो गई तो उसे तीन दाड़े रेप करने की कोशिश की गई। बेचारी ने मुकाबला किया और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए सेकंड फ्लोर से नीचे कूद गई। किसी को अरेस्ट किया? प्रॉब्लम यह है कि लड़की अस्पताल में बेहोश पड़ी है, उसका बयान अभी तक लिया नहीं जा सका। ठीक है लड़की का बयान नहीं लिया जा सका, लेकिन दिन दहाड़े बीच बाजार में वो सेकंड फ्लोर से कूद पड़ी, वो आदमी भी तो उस बिल्डिंग से निकला होगा, बाजार के 10 लोगों ने देखा भी होगा। बाजार में कोई बयान देने को तैयार नहीं है और इसलिए यकीन है कि ये काम इस एरिया के दादा शेर सिंह का है। शेर सिंह कहाँ है? ए, तीन लस्सी लाओ। मैं अपने हाथ से बना के लाता हूँ बहुत। मलाई मार के लेके आना राजा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए? तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह। तो फिर तुम गलत मोहल्ले में आ गए। जानता हूं कि तुम इस मोहल्ले के बेताज बादशाह हो और किसी में इतनी हिम्मत कहां कि तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सके। हाँ अगर उन्हें यह बता दिया जाए कि तुम्हारी असली औकात क्या है तो तुमसे डरना छोड़ देंगे। कहना क्या चाहते हो? यही कि जहां लोग तुम्हारे नाम से कांपते हैं अगर उन्हीं सड़कों पे तुम्हें जूतों का हार पहनाकर घुमाया जाए तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो आज तक खामखाई एक चूहे से डरे बैठे थे। सुदागर ये 9 लखा हार साहब को पहना दो। इंस्पेक्टर तुम अभी शेर सिंह को जानते नहीं हो। शेर सिंह मैं तो जानता हूं लेकिन ये लोग नहीं जानते। खैर आज ये भी जान जाएंगे। अरे बस इसे मत लड़ो, ये सरकार का फंडा हुआ। सुदागर इनका हार सिंगार करो। यही कि तुम दादा हो सुदागर। चलिए अब तो हार सिंगार भी हो गया और स्नान भी हो गया, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। देखा तुम लोगों ने, ये कमीना जो अपने आप को इस बस्ती का दादा समझता था आज एक गंदे कीड़े की तरह कचरे के डिब्बे में पड़ा है। लेकिन ये जलील अभी तक जेल से बाहर है, जानते हो क्यों? इसलिए कि आप में से कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं भी गवाही दूंगा। ले जाओ इसे बंद कर दो और इन गवाहों के बयान ले लो। जी सर। सर पुलिस स्टेशन में फोन आया था कि आपके चाचा जी की तबीयत खराब है।
भाई मैं आपको बेकार डराना नहीं चाहता, लेकिन श्यामलाल जी एहतियात होनी चाहिए, आप कुछ जरा ज्यादा ही लापरवाही से काम ले रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे कोई बीमारी बीमारी नहीं है, बस एक ही बीमारी है जिसका नाम है बुढ़ापा, और उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज तो आपकी जिद का भी नहीं, कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि दो बार आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आहिस्ता चला कीजिए, भाग के बस मत पकड़ा कीजिए, सीढ़ियां मत चढ़ा कीजिए, लेकिन आप है तो किसी की सुनते ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ बुढ़ापा क्या, आप पर तो फिर से बचपना आ रहा है। विनोद ये दवाइयां मंगा लेना एंड बी स्ट्रिक्ट विद हिम। डोंट वरी डॉक्टर, मैं इन्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अबे मुझे क्यों पुलिस अफसर दिखा रहा है अपनी, हैं? इधर आ बैठ। देख यूं ही परेशान मत हो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अरे अभी मुझे बड़े काम करने हैं। रे पागल, जब तक मैं तुझे तेरी माँ से ना मिला दूं मैं मर सकता हूँ? श्यामचा छोड़िए ना इन बातों को, कितने साल हो गए, ना जाने कहाँ होगी वो। कहीं तो होगी, और कहीं है तो मिल भी सकती है, और कौन जाने उसके साथ तुम्हारी बहन हो या भाई हो, अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा। रवि ये लो प्रसाद। माँ तुम्हारी पूजा खत्म हो गई ना, अब जल्दी भी करो, मुझे 4 बजे कहीं पहुंचना। हाँ चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे मेरी बात छोड़ो, भगवान जी के बारे में तो सोचो, दुनिया में समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोग भगवान से मदद मांगते हैं, इसलिए भगवान जी का काम बढ़ता जा रहा है। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम भगवान जी का कम से कम टाइम बर्बाद करें, क्यों बात ठीक है ना? नहीं। अच्छा ना सही, अब तुम जल्दी करोगी मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, चलो। अरे मैं आया सोनल, चल धक्का मार, ले चलते आगे। अबे बंटू, ए टेबलिस अच्छा मां तुम चलो बस, मां बेबी मस्त मां जी। अबे सुनो सिंसा की गाड़ी का शुरू कर, अबे बीच में क्या घुसा रहा गाड़ी। अरे गीता क्या करती हो यार, कितनी बार कह चुका हूँ कि गाड़ी के सामने इस तरह मत आया करो, किसी दिन ब्रेक नहीं लगी ना तो सड़क पर फोटो बन जाएगी तुम्हारी। तुम ऐसे अंधाधुंध गाड़ी चलाते हो कि पता ही नहीं। अरे 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 क्या कर रही है, नौ मन की धोबन, मेरा बॉनट टेढ़ा हो जाएगा। उठ जा से, उठ। इस ऊंट की कौन सी कल सीधी है जो टेढ़ी हो जाएगी, सिवाय हॉर्न के हर एक चीज से तो आवाज आती है। अरे इसे चलाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत शर्म आती है, मारे शर्म की तुमसे आंख नहीं मिला पा रहा, इसलिए कह रहा हूँ फौरन उतर जा, मुझे जाने दे। अबे उठना, मुझे जरूरी काम है यार। उठ। जरूरी काम तो मुझे भी है, जरा मुझे लट्टू महाराज के डांसिंग स्कूल से छोड़ दो, तुम्हारे गैरेज के सामने ही तो है। अरे गीता तुम्हें कितनी बार समझा कि तेरे वो टट्टूवन महाराज का चक्का छोड़, उसका नाच सीखती सीखती पागल हो रही है तू। अच्छी भले अरे ओ लोमड़ी के भतीजे, मेरी क्या बुराइयां कर रहा है तू, भोली भाली बच्ची को फुसलाने के लिए। हे भगवान मुझे शक्ति दे इसे बर्दाश्त करने के लिए। क्यों रे गीता, इसने कुछ ऐसी वैसी तो नहीं की, वरना खींच लूं इसकी जुबान गुद्दी से। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो धारा सिंह हो, जो चाहे कर सकते हो। देखिए ना गुरुजी, मैं कह रही थी कि जरा डांसिंग स्कूल तक छोड़ दो, तो ये पता नहीं क्या क्या कहने लगा। अरे तू कैसा पत्थर दिल है, थोड़ी दूर हमें छोड़ देगा तो तेरी मोटर के पहिए क्या चकोर हो जाएंगे, देखता नहीं बच्ची भी थकी हुई है और हमारी तबीयत भी टूट रही है, चल छोड़ देना। ठीक है पहले अपने चैलेंज को जरा बॉनट से उतरे। आ जा मेरी अनारकली, हमें छोड़ देगा ये ड्राइवर। ड्राइवर होगा तेरा बाप उल्लू के। अरे ओ कॉर्पोरेट के कचरे, कहां जा रहा है जामलूस। हाँ उसके बाद मैं। अरे शीतल तुम, हाय हाय, आज फिर तुम यहाँ? You're right, क्या तुम वही सोच रही हो मैं सोच रहा हूँ? क्या सोच रही हूँ मैं? यही कि कमाल है, कल हमारी मुलाकात इसी तरह यही हुई थी और इत्तेफाक से आज हम फिर मिल गए। तुम मेरे बचपन के दोस्त सही, मगर अब बच्चे नहीं रहे हो, इस तरह रोज रोज छुट्टी के वक्त गर्ल्स कॉलेज के आसपास दिखाई देना सब समझती हूँ। अरे अरे हद कर दी तुमने, तुम समझती हो कि मैं यहाँ लड़कियां वड़कियां ताकने आता हूँ, ये समझती हो? हाँ। यानी कि तुम समझती ही नहीं। चलो मैं नहीं समझती, तुम समझा दो, क्यों आते हो रोज रोज यहाँ? क्यों आता हूँ यहाँ क्यों आता हूँ, ये वो बिल्डिंग देख रही है आप, वो वहाँ बिल्डिंग। हाँ। वो आ रहे थे अपने पटेल साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे गैराज में ठीक कराने के लिए दी थी, मैंने ठीक कर दी, अब उनकी गाड़ी चल गई और मेरी पेमेंट रुक गई। हाँ। अब रोज रोज आना पड़ता, कभी कहते हैं आज कभी कहते कल। खैर इस बारे तुमसे मुलाकात तो हो जाती है क्यों? और हाँ मैं पहले कह दूं, कल मैं फिर आने वाला हूँ, और अगर कल कहीं मुलाकात हो जाए तो ये मत समझना कि मैं यहाँ वो। कल मुलाकात नहीं होगी। क्यों? कल कॉलेज बंद है, इसलिए कि कल होली है। अरे हाँ होली है भाई, I'm stupid. फिर कल तो मुलाकात हो ही रही है, मैंने इस बार सोचा था कि मैं होली के दिन तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, और फिर देखो अगर मैं नहीं आया तो तुम्हारे पिताजी बुरा मान जाएंगे, लीजिए रवि नहीं आया, मुझे बहुत चाहते हैं। तो तुम आ जाओ ना, मजा रहेगा। घबराओ मत, वो तो मैं आ ही रहा हूँ,
अजी सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे नहीं आने का। मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो कल मिलते हैं। घर जा रही तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं मुझे पहले कहीं और जाना है। वहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं इट्स ओके। ओके बाय। बाय। देखो दोस्त तुम्हें अगर टिक्कर खड़े होने का शौक है तो वहां एक म्युनिसिपैलिटी का खंबा है उसे इस्तेमाल करो। ये गाड़ी मेरी है। मुझे जानते हो? नाम रघु है। इसके अलावा तुम्हारे बारे में याद रखने के काबिल कोई बात सुनी नहीं। तो सुन लो और याद रखो, अगर कोई मेरे एरिया की लड़की पे लाइन मारता है ना तो मैं उसे बहुत मारता हूँ। अच्छा वैसे शीतल भी मेरे एरिया की ही लड़की है, समझे? शाबाश, जाओ ऐश करो। सुनो कल होली है और कल मैं शीतल के घर जो कि तुम्हारे एरिया में है होली खेलने आऊंगा। हो सके तो तुम भी आ जाओ, रंग बचा तो तुम्हें भी लगा देंगे। हाँ बात करता है। बेटे अगर मर्द का बच्चा है तो आना जरूर, अगर तुम्हारे जिस्म की एक भी हड्डी टूटने से बच गई ना तो तुम जीते मैं हारा। तो कल मिलते हैं फिर। ओके। आए रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। होली आई आई है होली आई होली आई होली आई आई है होली आई। रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। होली आई आई रे होली आई 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 होली आई आई रे होली आई। रंग लिए रंगीला निकला लाल गुलाबी धानी। रंग लिए रंगीला निकला लाल गुलाबी धानी। उठे मल के रंग प्यार का गाए मस्त जवानी। चलो बहार है जहां वो मेरी चंपे की गली। रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। होली आई आई रे होली आई होली 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 आई आई रे होली आई। प्यार का प्याला पिए सर हथेली निकला मत वाला मताना। दिल वालों को रोके तो रोके आज जमाना। प्यार में चाहे हमें देनी पड़े जीवन की बलि। रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। रंग चला चला बहार चली चली रंगीला चला अपने यार की गली। होली आई आई रे होली आई होली आई आई रे होली आई। दुश्मन एक दीवाना एक दूसरे के आगे। एक है दुश्मन एक दीवाना एक दूसरे के आगे। बाजी आज वही जीतेगा जिसकी किस्मत जागे। हम भी हैं वो भी हैं रुख भी है रंगों में ढली। रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली। रंग चला चला बहार चली चला अपने यार की गली।
अरे रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली रंग चला बहार चली रंगीला चला अपने यार की गली होली आई आई रे होली आई होली आई आई रे होली आई 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 होली आई आई रे होली आई होली 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 आई आई रे होली आई आई होली आई माँ तुम भगवान को मस्का बहुत मारती हो। चुप रहे। चले ये रहा आपका मंदिर। जय भोलेनाथ शिव शंकर शंभु। रवि तुम चलो मां मैं आता हूं। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, शायद कार्बोरेटर में क्या वो स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ बस चलते चलते बंद होगी। अच्छा कोई बात नहीं, अपना गैराज पास ही है, अभी ठीक हो जाएगी। मैं देखूं, या तो करंट नहीं आ रहा या फिर पेट्रोल नहीं आ रहा। लगता कचरा आ गया शायद, ये तो अभी ठीक हो जाएगी। आ बैठिए। कितना टाइम लगेगा? यही 10-1 मिनट। लो बेटा। माफ करना, मैं समझी मेरा बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, बेटा समझ के मुझे ही प्रसाद दे दीजिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। अरे भाई सही वक्त पर मुलाकात हो गई, वरना मैं तो परेशान हो गया था। अच्छा कुछ पैसे वैसे? अरे पैसे वैसे किस बात के साहब, ये भी कोई काम था? हाँ कभी बड़ा काम हो गाड़ी में तो मेरे गैराज में जरूर भेजेगा। जरूर, कहाँ है वो? तो रास्ते के किसी से पूछ लेने, रवि का गैराज। मेरा नाम रवि है। रवि जी बहुत अच्छा नाम है, जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाथ में ऑयल लगा साहब, फिर कभी मिलेंगे। ओके बाय। चलो वही मैं सोच रहा था, तूने कहा था जल्दी आ जाएगा। और अरे आप चुपके से आए और मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए। मैं जानता हूँ विनोद, वो आग जो यहाँ जल रही है उसकी लपटें अक्सर तुम्हारे चेहरे पर भी देखता हूँ। लगता है ये आग हमेशा इसी तरह जलती रहेगी और जलाती रहेगी मुझे। जिंदगी जिस उम्मीद के सहारे गुजार रहा हूँ, कभी कभी उम्मीद टूटने लगती है। इस अधूरी तस्वीर को लेकर इतनी बड़ी दुनिया में उस कातिल को ढूंढ सकूंगा मैं? अपने आप को इस सवाल का जवाब देते हुए डर लगता है विनोद। ये तस्वीर अधूरी सही लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाए, ये जिंदगी के उसूल के खिलाफ है। तुम हिम्मत क्यों हारते हो पागल? मैं हूं ना। इतने बरसों में वो चेहरा कितना भी बदल गया हो मगर मैं उसे एक नजर में पहचान सकता हूं। दोस्तों बोलना बताना भाषण देना तो बड़े बड़े नेताओं का काम है, मैं तो एक सेवक हूं, सेवा करना जानता हूं।
मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप नई नस्ल हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। हां एक बात कह सकता हूं जो जिंदगी में सीखी है, याद रखिए सबसे अहम बात है मेहनत और ईमानदारी। भगवान आप सबको कामयाब करे। मैं जोगेश्वर दयाल जी से सब स्टूडेंट्स की तरफ से विनती करती हूं कि वो अपने मुबारक हाथों से हमारे नए यूनियन हॉल का उद्घाटन करें। बड़ी तारीफ लिखी है शहर के सबसे बड़े दानी धर्मात्मा। तुम लोग सोचते हो गए कि एक तरफ मैं सारे काले धंधे करता हूं और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज आश्रमों को बड़े बड़े चंदे देता हूं, क्यों? देखो जिस तरह जब एक आदमी से नाजायज फायदा उठाना हो तो उसे घर बुलाना पड़ता है, शराब पिलानी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, उसी तरह जब पूरे समाज से फायदा उठाना हो तो पूरे समाज को रिश्वत देनी पड़ती है। पर यह बात कम लोग समझते हैं। सर क्या खबर है सुधीर, बारिक सेठ से मिले? जी हाँ सर, बोट सोना लेकर इस महीने की 15 तारीख को वर्सोवा बीच पर रात को 11 बजे आ रही है। गुड, सुन लिया रतन, डिलीवरी लेने तुम्हें जाना है। राइट सर। क्या नाम है तेरा? नाम बोल। कल रात तुमने झूठ से गाड़ी चुराई थी? नहीं साहब, हमने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चोरी किया। झूठ बोलता है साहब, आप यकीन चोरी करते हैं? कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चोरी किया साहब, हम सच्ची बोलता है। अरे साहब हम सच्ची बोलता है, गाड़ी चला नहीं लिया था, क्या करेगा साहब? हम सच्ची बोलता है, आप यकीन करो साहब, हम सच्ची बोलते हैं, हम झूठा नहीं बोलते साहब, हम कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चोरी किया साहब। अभी तक जबड़ा दुखता है। इस ड्रामे के लिए जरूरी था, मैं नहीं चाहता था कि किसी को शक हो कि तुम पुलिस के इन्फॉर्मर हो। खैर एनीवे खबर क्या है? हाँ सब, कल रात 11 बजे वर्सोवा बीच पर एक बोट आएगा, लाखों का सामान होगा सब। कल रात 11 बजे कब्जे में कर लो। निकल गया तो क्या हुआ, फिर पकड़ा जाएगा? कम से कम आपने स्मगलर्स का लाखों का सामान तो पकड़ लिया। इस तरह कुछ घड़ियां कुछ सोना कुछ शराब पकड़ने से कुछ नहीं होगा पाटिल, जब तक हम उन लोगों तक नहीं पहुंचते जो इन गैर कानूनी कामों के पीछे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमने सुबह में कुछ आदमी गिरफ्तार किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरह के धंधे करते रहते हैं, ब्लैकलिस्टेड हैं, आप देख लीजिए शायद इनमें से कोई हो। अंधेरे की वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका, इसलिए पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ यस, अरे हाँ, वो भागता हुआ उस गैराज में गया था जहां पर वो मैकेनिक काम कर रहा था और वहां पर रोशनी थी, वो उसे पहचान सकता। पाटिल
उस मैकेनिक को यहाँ बुलाओ। काली मिया। ए बंटू, बंटू। हाँ उस्ताद। 716 का रिंग बना लिया, वो चेंबर नहीं खोल रहा, अभी लाया। क्या हो गया? ए क्या हो गया तेरे को? अरे अच्छी वाली लड़की से क्या पागल हो गई तू? पहले पूछ तो लो किसी से, कौन पागल लग रहा है, मैं या तुम? कहां से मुंह काला करवा के आए हो? ओ ये बात है। काम करते हैं समझी, मेहनत करते हैं, मेहनत। हाँ मेरे मुंह पे कालक देखकर हंसी आ रही तेरे को, लेकिन जब तेरा वो लट्टू मारा स्टेज पे चूना पोत के नाचता है तब हंसी नहीं आती तेरे को? हाँ अरे वो बिना लगाम के घोड़े, क्या बक रहा है तू मेरे बारे में? ये बक मैं नहीं रहा, ये बक रही है। देखो रवि, मैं ऊपर से जितना नरम हूँ अंदर से उतना ही गरम। खबरदार जो मेरे चेले चाटियों को कुछ उल्टा सीधा कहा तुमने। तो फिर अपने चेले चाटियों को समझा दो कि मेरे मुंह ना लगे, वरना किसी दिन चाटी का चाटा लग जाएगा। हाँ अरे मर्द का बच्चा है तो चाटा मार के देख बच्ची को, कोई हम भी ऐसे वैसे नहीं है, तलवारें चल जाएंगी तलवारें। कौन सी तलवारें चल जाएंगी? यही जो दोनों साथ में लाया। बेशरम नहीं तो। चलिए गुरुजी, ये तो पूरा गुंडा है गुंडा। नहीं नहीं, आज इसका कचूपर तो निकालना ही पड़ेगा। जाने दीजिए गुरुजी, क्यों इस बदतमीज से बात करके अपनी जबान खराब कर रहे हैं? चलिए चलिए रिहर्सल करनी है ना। हाँ जाइए जाइए, रिहर्सल करनी है। अरे जाके मोटरों की ढीबरी का ढीबरी जांगलूस, तू क्या जाने नृत्य क्या होता है और संगीत क्या होता है? जानता हूँ लटुए, नाचने गाने में छुट्टी कर देता तुम्हारी। हाँ वो तो कहो आज मूड नहीं है, क्यों भाई? नहीं तो इसे भी नाचना गाना सिखा देता आज। हाय हाय कुर्बान जाऊं, सुना बच्चियों, ये उदबिलाओ मुझे नाचना गाना भी सिखाएंगे, मगर आज मूड नहीं है। अरे पुराने मोटर के भोपू, आज तुझे दिखा ही तू कि नाचना क्या होता है, गाना क्या होता है। दम है तो आजा मुकाबले में। अबे ओ टूटे हुए घुंघरू, बहुत देखे तेरे जैसे, चला जा फिर। नाच न जाने कहे आंगन टेढ़ा, नाच न जाने कहे आंगन टेढ़ा, मेरी धुनों पे देखो राधा लहराए, मेरी धुनों पे देखो राधा लहराए, आधा बदन सिर के आधा तन गाए, ताल बेताला सारा जीवन तेरा, ताल बेताला सारा जीवन तेरा, नाच न जाने कहे आंगन टेढ़ा, नाच न जाने कहे आंगन टेढ़ा। गाना ये तुम्हारा है यारो ना, गाना ये तुम्हारा है यारो ना, नि सदा दानु सारे घर निगा, निमा पदा नि सारे गा मारे सा, काम न आए वो करो ना, सुर ये विदेशी तो भरो ना, सुर ये विदेशी तो भरो ना। क्या रोना, तो जरा ये गा के बताइयो लट्टू चंदे रोंगी।
लौंगी लाइची नाने चली लाइची ने मारा चुप्पी ए लौंगी लाइची नाने चली लाइची ने मारा चुप्पी लौंग जरा रोने लगा हाय इलायची डूबी बड़े हाय हाय ना रेडी हाय हाय चले न जानी हाय हाय तू पहचानी कदर मोरी ना जानी रेती ने तानी कदर मोरी ना जानी रेती ने तानी कदर मोरी ना जानी जानी रे ना जानी रेती ने तानी कदर मोरी ना जानी तुम्हारा नाम रवि है? क्यों? थाने में साहब ने बुलाया है मुझे। क्यों? हाँ। अरे तुझे नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे बचर बट्टू? ले जाइए दरोगा जी से और रूम प्रकट करा दीजिए। अरे चुप हो नौटंकी, तू चुप बैठ, जा जेल में चक्की पीस। देख लूंगा तुझे भी नचनिए। हाँ हाँ देख लेना। हाँ हाँ रवि, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि उस रात जो आदमी तुम्हारे गैराज से गुजरा था, तुमसे टकराया था, तुम उसे पहचान सकते हो। शक में मैंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन लोगों में से उस आदमी को पहचान। ये सब स्मगलर लोग हैं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं बीच। ये तो तुम लोगों की मुश्किल है। तुम लोग चाहते हो कि पुलिस तुम लोगों की हिफाजत करे, तुम लोगों के घरों में चोरी ना हो, रास्ते में तुम्हारा कोई खीसा ना काटे, और अगर तुमसे कोई लड़े तो पुलिस उसे पकड़ ले। तुम लोगों को पुलिस से हर तरह की मदद चाहिए, लेकिन जब पुलिस को तुम लोगों की मदद चाहिए तुम में से एक भी आगे नहीं आता। कितनी शर्म की बात है, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। अरे आप बेकार में नाराज हो रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप अपना काम करते, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि मेरे गैराज में आइए और किसी गाड़ी के कार्बोरेटर से कचरा निकाल दीजिए। आप अपना काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? ये काम आपका है, आपको इस काम की तनख्वाह मिलती है, मुझे तो नहीं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। तो ठीक है, फिर मैं अपना काम करूंगा। और मेरा काम यह है कि जो आदमी जानबूझ के पुलिस की मदद करने से इनकार कर दे, उसे गिरफ्तार करके हवालात के सलाखों के पीछे बिठा दूं। अरे सोच लो। अब क्या सोचना, इधर कुआं उधर खाई, अब या तो आपसे बिगाड़ लूं या उनसे दुश्मनी। चलिए
इनमें से कोई भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? 100%। ठीक है, छोड़ देना। चलिए आप लोग जाइए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, जो आपने मुझसे कहा वो मैंने किया। अब इन लोगों में वो आदमी नहीं था तो उसमें मेरा क्या दोष है? हाँ, तुम्हारा क्या दोष है, जा सकते हो। थैंक यू सर। पटेल। यस सर। ये लड़का झूठ बोल रहा था, इसने उस आदमी को पहचान तो लिया था, मगर खैर सम अदर टाइम, फिर कभी सही। ए भाई। हाँ? शीतल घर में? जी हाँ, घर पर है। उनके पिताजी भी हैं? जी हाँ। उफ, बड़ा बोर है। और दो 550 और 11। ओफो, कौन है भाई? जी मैं हूँ। मैं हूँ? अरे भाई, मैं हूँ क्या है, मैं का कुछ नाम भी तो होता होगा। ओ, तुम हो जी। तो कहते क्यों नहीं कि तुम हो, कह रहे हो कि मैं हूँ। बाहर क्यों खड़े हो आप? अंदर आओ। बैठ जी। मैं वो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको नमस्ते करता चला। ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। आप कुछ जरूरी काम कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो नहीं जी, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। भाई बात यह है कि आजकल हमारे ऑफिस में कुछ अजीब सी पॉलिटिक्स चल रही है, और वो हमारे मैनेजर हैं मेहता जी। जी। उनका क्या चक्कर है कि भाई, ये किस्सा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। जरूर सुनाइए अंकल, प्लीज। बेटे बैठो आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, चाय पियोगे? अरे वो, अरे भाई शीतल बेटे। जी पिताजी। देखो बेटे, रवि के लिए। कमाल है, तुम आए भी तो ऐसे वक्त पे जब मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ, ये तो वो भंडार कौन सा सहकारी भंडार जा रही है बेटे, और घर में कोई है नहीं, चाय को भूल जाओ। अरे कमाल करते हैं अंकल, चाय की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं यहाँ से गुजर रहा था। वो क्या है कि मुझे सहकारी भंडार के आगे कुछ, अरे तुम्हें वहाँ जाना है ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन बेटे वो चलना है तो फौरन चलो, वरना मुझे देर हो जाएगी। फौरन चले तो? हाँ। चलो फौरन चलते हैं। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे जाओ। लेकिन बेटे वो मेहता जी वाला किस्सा जो है, अंकल आप कितना भी टाले, मैं ये किस्सा जरूर सुनूंगा। आज नहीं तो कल या परसों आता हूँ, आराम से बैठ के चाय में पीते, गपशप मारेंगे। क्यों? अच्छा बेटे, प्रॉमिस। हां प्रॉमिस। अच्छा पिताजी, बाय। बेटे बाय। हां हां, आजकल सहकारी भंडार में बहुत अच्छे दुपट्टे मिल रहे हैं, मेरी सब फ्रेंड्स ने खरीदे, इसलिए मैंने सोचा मैं भी दो चार खरीद लूं। अच्छा सोचा, मैं भी उस दिन सोच रहा था कि सहकारी भंडार से दो चार दुपट्टे खरीद लूं। तुम दुपट्टों का क्या करोगे? अब यही सोच के नहीं खरीदे? रवि, तुम कभी नहीं बदलोगे, हर वक्त मजाक की बात करते हो, कभी सीरियस बात करने को दिल नहीं चाहा? दिल तो बहुत चाहा, मगर तो फिर कहो। वो एक बात तुमसे कहनी थी, बहुत बार सोचा कहूं मगर मौका ही नहीं मिला। बात ये थी कि मैं ये कहना चाहता था कि मैं कहो ना, क्या कहना चाहते थे? बात ये कि मैं तुम दुपट्टे हमेशा सहकारी भंडार से लिया करो। हाँ। यही कहना चाहते थे तुम? वहाँ काफी अच्छे दुपट्टे मिलते हैं। वहाँ नहीं, यहाँ, ये रहा सहकारी भंडार, मुझे यहीं जाना है। यहाँ? हाँ। तो बाय। अच्छा तुम लोग जाओ। क्या चाहते हो तुम? समझाना चाहता हूँ तेरे को, ये दूसरे मोहल्ले के लड़कों से पेंगे बढ़ाना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा, ये मुझे समझाने से पहले तुम अपने चाल चलन के बारे में सोचो, हटो। बड़े पंचम सुर में आवाज निकल रही है तेरी। हाथ छोड़ो मेरा। लगता है अभी ठीक तरह से जानती नहीं है मुझे। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अगर ना छोड़ू तो क्या करूँ? ये कुछ करे ना करे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है मेरे दोस्त कि इनका हाथ छोड़ दो। अबे तू मुझे जानता नहीं, लगता है नए आए हो। हाँ मैं तो नया हूँ, अगर तुमने फौरन इनका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मारूंगा कि इतने पुराने हो जाओगे कि कोई सेकंड हैंड में भी नहीं खरीदेगा। देरी थे। Thank you.
अरे है कोई सेकंड हैंड माल खरीदने वाला? कहा था ना कोई नहीं खरीदेगा, चल। अरे क्यों मार रहे हो तुम? बढ़िया, वरना तुझे भी मार रहा है। माँ ने जब आके सारा किस्सा सुना तो सच मानी इंस्पेक्टर साहब, मेरा खून तो गर्म हो गया। मगर तब तक तो वो बदमाश मोहल्ला क्या लगता शहर छोड़ के भागे थे। हुआ ये कि आप थे सादा लिबास में, ये बात उन्हें बाद में पता चली कि एक इंस्पेक्टर से पंगा ले लिया। बस 9-11, खैर आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। क्यों माँ? वैसे इंस्पेक्टर साहब मान गए आपको हम, कमाल कर दिया आपने, रियली कमाल कर दिया। अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने? मेरी जगह कोई भी शरीफ आदमी होता तो यही करता। आपकी जगह कोई दूसरा शरीफ आदमी होता तो मैं इस वक्त उसकी तारीफ कर रहा होता। और अगर इस वक्त तेरी जगह कोई तीसरा शरीफ आदमी होता तो जरा बातें कम करता और इसे आराम कर लेने देता। मैम बस बहुत हुआ, तू बोलते बोलते नहीं थका लेकिन वो सुनते सुनते थक गया है बेचारा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, माँ ने तो ज्यादा बोलने से मना किया है लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, आज से आप मेरे भाई की तरह हैं। कभी कोई काम हो तो मुझसे जरूर कह दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, तुम अस्पताल में अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ रहने वाला कोई है? नहीं माँ जी वैसी तो जरूरत नहीं है लेकिन मेरे चाचा हैं, कल जिद करके यहीं ठहर गए थे, बस आते ही होंगे। अच्छा माँ, विनोद साहब बहुत अच्छे आदमी, भले इंसान है। आजकल के जमाने में कौन आदमी किसी के लिए लड़ाई करेगा? भाई माना कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है लेकिन अपनी जान भी तो कोई चीज होती है, ठीक है ना? अच्छा माँ, तुम कह रही थी कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा बोलता हूँ, सॉरी। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, तुम सुना? मैं ठीक हूँ। हेलो रवि। हाय, तुम यहाँ इंस्पेक्टर साहब विनोद साहब से मिलने आई हो ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी, यानी हम लोग भी उन्हीं से मिलने आए थे। वो माँ जी का शुक्रिया अदा करना चाहते थे और मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता था। तुम्हारे लिए वो आदमी अपनी जान पे खेल गया, मेरा मतलब है हम सबको थैंक यू तो बोलना चाहिए ना उन्हें। क्यों माँ, ठीक है ना? हाँ, और क्या? देखा। अच्छा तुम सब मिलो उन्हें, मिलो। अच्छा शाम को तुम घर पे हो? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, पिताजी भी होंगे? हाँ। जरा उनसे कुछ काम था, देखो शायद आ जाऊंगा, शायद आ ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके नमस्ते माँ जी। अब चलें? हाँ चलो ना। ये थोड़े से फल लाया हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज कम। हाँ आओ बेटी, बैठो। ये फूल? अरे भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, कल जो तुम फूल लाई थी ना उसकी खुशबू अभी तक बाकी है। लाइए ये फूल भी लगा दो। कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत। आज आप कल से बहुत बेहतर लग रहे हैं। अरे मैं तो अच्छा भला हूँ, इन लोगों ने खामखा मुझे अस्पताल में डाल रखा है। अभी कितने दिन और यहाँ हैं? सोचा तो था कि 2-4 दिन में चला जाऊंगा लेकिन अब इरादा बदल दिया है। जब तक इस शहर के बागों में फूल हैं तब तक हम अस्पताल में। फिर तो आपको जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा, शर्त रही। शीतल कैसी लगती है? शीतल? शीतल ठीक है, बल्कि देखा जाए तो अच्छी है।
अच्छी है या बहुत अच्छी है? काफी अच्छी है। उस दिन तो तू उसे अस्पताल में ऐसे देख रहा था जैसे वो सबसे अच्छी हो। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मां मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें लगा रही हो तुम। अच्छा भाई मुझे नीचे जाना, वो अपने अमृतलाल जी है ना, अमृतलाल जी उनकी गाड़ी खुली पड़ी हुई है और शाम को खड़ी देनी है। तुम तो आराम से बैठो, कपड़े समेटो, मैं सब भी गया और अब भी आया। हाँ गया और आया क्यों? आज 4 बजे कहीं जाना नहीं है? 4 बजे? 4 बजे क्या है, कहाँ जाना 4 बजे? 4 बजे कहीं कुछ नहीं। शीतल का कॉलेज तो 4 बजे ही छूटता है ना। आज संडे माँ। आज संडे है? हाँ संडे माँ। देखो माँ मैं समझ रहा हूँ जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम समझती हो कि मेरे दिल में शीतल के लिए वो उस टाइप की फीलिंग है ना, उस टाइप की, हाँ यही समझ रही हो तुम? हाँ तो क्या गलत समझ रही हूँ? अरे ये मैंने कब कहा? हाँ अब आया रास्ते पर। शीतल से कभी बात की है तूने? हजारों बार बात की, उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे सामने बात नहीं करा था क्या? ओहो बुद्धू, क्या उसे पता है कि तू क्या सोचता है? उसे बताया है तूने? अरे माँ उसे मैं कैसे कह दूँ कि मैं, तुम तो मेरी छुट्टी करवा दोगे? हाँ अजीब पागल हो, बात नहीं करोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तू कहे तो मैं शीतल से बात। नहीं 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 माँ, तुम कुछ मत करना, तुम खुद कुछ मत करना। अमृतलाल जी की गाड़ी शाम को देनी ना। अरे माँ तुम कुछ मत करना, ये मैं खुद कर लूंगा। श्याम चा कमाल है। हा? क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? नहीं, जब किसी को किसी का इंतजार हो तो दुनिया की सब घड़ियां ऐसा चलने लगती हैं। लो कमाल है, मैं तो सिर्फ वक्त पूछा, टाइम पूछा और आप है कि मैं इंतजार। किसका इंतजार? शीतल का और किसका? अरे भाई रोज तो 5 बजे यहाँ होती है, आज 5:05 हो गए हैं। तुम्हारी परेशानी अपनी जगह ठीक है। देखिए श्याम चा एक बात बता दूं, आप जो समझ है बिल्कुल गलत है। देखो बेटे श्याम चा ने शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। अच्छा ये बताओ शादी करने का इरादा है? फिर वही बात। हाँ मतलब ये है कि अभी बात बात नहीं की। आप तो मेरी छुट्टी करवा के छोड़ेंगे? अरे 4 दिन की मुलाकात है, ये समझ लीजिए कि जान पहचान दोस्ती। अच्छा तो अब सारी जिंदगी दोस्ती बढ़ाते रहोगे? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते के हिम्मत नहीं पड़ती? हाँ ये बात है। आप मुझे समझते क्या है, हिम्मत नहीं पड़ती? बात तो कुछ यही है, हिम्मत नहीं पड़ती। अगर लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती तो लड़की के बाप से बात करो, इसलिए कि बात तो उनसे हर हालत में करनी ही पड़ेगी। सीधी तरह जाओ और जाकर कहो कहो कि मेरी तबीयत पहले से ठीक है और ज्यादा चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है और दवाई बराबर पी रहा हूँ। हाँ ओ शीतल तुम कभी कभी आई? अभी अभी आई ना? हाँ अभी अभी आई। हाँ अभी अभी आई। अरे हाँ आओ ना, हम लोग तो बस यूं ही ऐसे ही बस बेकार में बस इधर उधर की गपशप मार रहे थे। तो ये हो रहा था? हाँ यही हो रहा था। जी हाँ और हो भी क्या सकता है। अच्छा विनोद मेरी दवा का वक्त हो गया, मेरा ख्याल है मैं जाके दवा पी लूँ, तुम लोग बैठो बातचीत करो, लेकिन मुझे तो दवा पीनी है। अब तो आप जाके दवाई पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे? अच्छा बेटी माफ करना मेरी दवा। ओहो वक्त बहुत हो गया भाई, देखा खुद तो चले गए दवा पीने और आपको मेरे पास छोड़ के, यही शिकायत है ना आपको? नहीं 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 ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात यह तुम सचमुच अभी अभी आई थी? पूछना आप ये चाहते हैं कि मैंने आपकी गपशप सुनी के नहीं? नहीं 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 क्या बात ऐसी है कि हाँ पूछना तो यही चाहता हूँ। सुनी? हाँ सुनी। देखो शीतल श्यामचा की बातों का बुरा नहीं मानना, बेचारे बूढ़े हो गए ना, सटिया गए, जो मुंह में आता बोलते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इस बात को तुम भूल जाओ। ठीक है आप इत्मीनान रखिए, मैं इस बात को हमेशा के लिए भूल गई। हमेशा के लिए? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। पहले आप अपने दिल में तय कर लीजिए, आप कहीं तो मैं भूल जाऊं, आप कहीं तो मैं याद रखूं, फैसला आपके हाथ में है। रियली? तो फिर ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि तुम मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हो। मैं जानती हूँ। विनोद मैंने दवा पी ली। मैंने भी पी ली। विनोद साहब क्या काम है? काम उन्हीं से है। मैं अंदर आ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब? आओ रवि कम इन, कैसे आना हुआ? विनोद साहब मैं मुझे आपसे कुछ बात। आओ आओ बोलो बोलो आराम से बोलो।
विनोद साहब, मैंने आपसे उस दिन झूठ बोला था। मैं उस आदमी को पहचानता हूं, अच्छी तरह से पहचानता हूं, और वो उन लोगों में से एक था। बैठो। चाय पियोगे? जी जी साहब। तो चाय। देखो रवि, अगर तुम मेरी वाकई मदद करना चाहते हो तो एक काम करोगे? विनोद साहब, आप कहकर तो देखिए, कैसा भी काम हो पीछे नहीं हटूंगा मैं। अच्छा, देखो, जिस आदमी को तुमने पहचान कर भी नहीं पहचाना, उसका विश्वास हासिल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर उसकी मदद से तुम उन लोगों के यहाँ नौकरी हासिल कर लो तो तुम पुलिस की बहुत बड़ी मदद करोगे। आपको यकीन है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि तुम्हें वहां नौकरी मिल जाएगी, और मुझे यह भी यकीन है वो कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि तुम पुलिस के इन्फॉर्मर हो। पुलिस इन्फॉर्मर? और जानते हो, इसमें सिर्फ कानून का ही फायदा नहीं, तुम्हारा भी फायदा है। वो कैसे? स्मगलिंग का जितना भी सामान तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट 10% उसका तुम्हें देगी। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? एक तरफ तुम कानून की मदद भी करोगे और दूसरी तरफ तुम लखपति भी बन जाओगे। चाय। बोलो, क्या ख्याल है? अब तक तो नहीं था विनोद साहब, लेकिन अब सोचता हूँ कुछ पैसे वैसे कमा ही लूँ। बात यह है कि जरा शादी वादी का प्रोग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। ये समझ लो कि कुछ ऐसा ही प्रोग्राम इस तरफ भी है। अच्छा, यानी कि हम दोनों एक ही कश्ती में सफर कर रहे हैं। देखो भाई, एक बात तो है कि हमें हमारे इन्फॉर्मर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। लड़की वड़की से नहीं मिलवाओगे? अरे विनोद साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा, शाम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मेरे एक अंकल और आंटी हैं। माँ के अलावा अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ वही है, और आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। वो क्या कहते हैं आप लोग, सिल्वर वेडिंग जुबली। आज उनके लिए पार्टी रखी है, आप भी वहीं आ जाइए। आपकी वो वाली भी होंगी? वो वाली भी होंगी। नहीं माँ जी, कॉलेज में इतना वक्त हो जाता है कि कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं रहता, वरना तो मैं जरूर। ये लो शीतल, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ही कोल्ड है। माँ जी आप लीजिए। अरे बेटी, मैं कहाँ पीती हुई ये सब। माँ को इन चीजों का शौक नहीं, लेकिन कोई पिए तो इन्हें कोई एतराज भी नहीं। क्यों माँ? तू यहाँ बातें ही करता रहेगा या मेहमानों की देखभाल भी करेगा? वही तो कर रहा हूँ माँ। थैंक यू। अब बात करता हूँ। पी लो बेटी, पी लो, पी लो। अरे रमेश, वो समझ ले। माफ कर अभी। और माफ ना करूँ तो? तो ना करो, लेकिन बीच रास्ता खंभा बने क्यों खड़ी हो? और क्या करूँ, बैठने की जगह है ही कहाँ। ढूंढो गीता, कोशिश करो। कोशिश से क्या नहीं मिलता? कोशिश से सब कुछ मिल जाता है क्या? हाँ सब कुछ। देखो गीता, एक्सक्यूज मी, मेहमान आ रहे हैं, मैं चला। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मैं तो समझा आप भूल ही गए। नहीं नहीं, ना मैं ये भूला हूँ कि तुमने मुझे बुलाया है, और ना ये भूला हूँ कि तुमने क्या दिखाने का वादा किया। तुम्हारी माँ आई है? हाँ हाँ, वो तो कब की आ चुकी है। अच्छा अच्छा, मैं तो समझा था कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी मेरे आने की वजह से है। चलो दिखा तो दो। चलिए मास्टर। मास्टर, कोल्ड ड्रिंक और चाहिए। और वो होटल वाला बोलता है कि, होटल वाला बोलता है कि तुम बोलोगे तो वो देगा। विनोद साहब, मैं जरा एक मिनट में। आप एक काम कीजिए, वो कोने में जो पेड़ है, माँ वहाँ बैठी है और वो उनके बिल्कुल बराबर में है। माँ जी से भी मिल लीजिए और उनसे भी। अच्छा, क्या बताऊँ तुम्हें, बातें बहुत करता है, हर वक्त बोलता रहता है। नमस्ते माँ जी। अरे बेटा, तुम आओ बैठो ना। माँ जी आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए ना। नहीं नहीं, आप बैठिए ना माँ जी के पास। वैसे भी मैं आपकी जगह। हेलो। आप यहाँ कैसे? बस। शामचा कैसे हैं? अच्छे। अरे माँ, शीतल विनोद साहब आ गए। यहीं कहीं होंगे बेटा। आओ ना शीतल, कब से तुम्हारी वेट करे सब। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, फिर क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, तुम्हारी पसंद को मान गए। क्या लगता है, मेरे कोई चांस वांस है? देखो भाई, हम पुलिस वाले हैं, नजर को पहचानते हैं। जिस तरह से वो माँ को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब साफ है कि बहू बनने का चक्कर है। क्या कह रहे हो आप? हाँ बस बता दिया तुझे। सच? हाँ। क्या रवि, तेरे होते हुए पार्टी में रंग नहीं आ रहा? अच्छा, अब तो रंग ही रंग है। चल। हे 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 हे, गलियात
साखली सोन्या जी ही पोरगी कोणाची, गल्यात साखली सोन्या जी ही पोरगी कोणाची, प्यार उसको करता हूँ लेकिन कहते डरता हूँ, झुकी झुकी मत वाली काली काली जादू वाली आंखों पे मैं मरता हूँ। गोरा गोरा रंग है, महका महका अंग है, उसके दिल में भी कहीं प्यार की उमंग है। गोरा गोरा रंग है, महका महका अंग है, उसके दिल में भी कहीं प्यार की उमंग है। सोचता हूँ एक दिन प्यार उसका पाऊंगा, लाख दुनिया रोक ले मैं उसे ले जाऊंगा। गोरा गोरा रंग है, महका महका अंग है, उसके दिल में भी कहीं प्यार की उमंग है।
पहचाना? मैं वही हूं जिसने नहीं पहचाना था। हाँ, आओ अंदर आओ। कहो कैसे आना हुआ, कोई काम? क्या बात है, घर तो बड़ा जोरदार है। अरे जिंदगी में आदमी ऐसे ना जिए तो जीने का फायदा क्या है। हाँ। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल? हाल कुछ ठीक नहीं है यार। क्यों, क्या हुआ? गम तो यह है कि कुछ हुआ ही नहीं, गाड़ियों के इंजन की टिबरियां खोलते खोलते अपनी टिबरी टाइट हो गई, मगर ना कुछ हुआ ना कुछ होने का चांस है। जिस कड़की में पैदा हुए थे उसी कड़की में आज तक जी रहे हैं। अरे यार तू हमको बोल, तू हमारे काम आया था, हम क्या तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? कुछ पैसा वैसा चाहिए क्या? पैसा वैसा नहीं, ऐसा पैसा चाहिए कि तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी भी सुधर जाए। गाड़ियां ठीक करते करते अपने हाथ की हालत ऐसी हो गई जैसे टायर का तला, इसलिए तुम्हारे पास आया था, सोचा कि अपन को भी धंधे में लगवा दो, दुआएं देंगे तुमको। क्यों, भरोसा नहीं है? ये बात नहीं है यार, तुम पर भरोसा क्यों नहीं होगा, बड़े बुरे टाइम पर बचाया था तुमने मुझे। लेकिन बात यह है कि, खैर कोई बात नहीं, तू भी क्या याद करेगा, जिस सेठ के लिए मैं काम करता हूं ना उसी से मिलवा देता हूं तुम्हें। अपनी तरफ से मैं तुम्हारी बात कर लूंगा, लेकिन काम देना ना देना उसी के हाथ में। रतन ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, तुम हमारे काम आए हो, हम तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू। देखो इस लड़के को इसका इनाम मिलना चाहिए। मैं यह इनाम नहीं, काम की उम्मीद से आया हूँ जेडी साहब। काम? जब क्या करते हो? जेडी साहब इसका एक गैरेज है, मैकेनिक है। अच्छा अच्छा, हमारी गाड़ी में कभी कोई खराबी होगी तो तुम्हारे गैरेज में भेज देंगे, ठीक है? जेडी साहब, आमतौर से गाड़ियों में बहुत बड़ी खराबी होती है, जब तक ड्राइवर बहुत अच्छा ना हो पुलिस की जीप पीछे नहीं छोड़ पाती, इसलिए जिन लोगों को पुलिस की जीप को पीछे छोड़ने की जरूरत पड़ती है उन्हें एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत होती है। क्यों? समझ गया, मगर हमारे पास अच्छे ड्राइवर हैं। सही कहा आपने, जब तक आप मुझे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखेंगे आप उन्हें ही अच्छा ड्राइवर समझेंगे। अच्छा, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस हो। तुम आज से हमारे लिए काम करोगे। वेरी गुड, मुझे यकीन था कि वो लोग तुम्हें काम दे देंगे। चलो ये मैदान तो तुमने मार लिया, आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जिसने तुम्हें काम दिया वो कौन था, तुम उसे पहचान सकते हो? सूरत से तो पहचान सकता हूँ, लेकिन नाम क्या था वो? सब जेडी साहब कह रहे थे। कौन है ये जेडी साहब ये भी पता चल जाएगा, एक बार में इतना ही काफी है। विनोद साहब, इसके अलावा कुछ और भी है। जा, कमाल की बात तो मैंने आपको बताई नहीं। वो क्या हुआ? ये कि मैं वहां से रतन के साथ चला गया। वो तो बहुत खुश था कि मैं उसके साथ काम करने लगा हूँ। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इस महीने की 18 तारीख को सिकंदराबाद एक्सप्रेस से एक आदमी जेडी के लिए 80 लाख के हीरे ला रहा है। 80 लाख के हीरे, इन्फॉर्मेशन पक्की? हाँ, रतन कह रहा था डिलीवरी उसी को जाके लेनी है, वो झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन वो हीरे वाला आदमी? रतन ने भी उसे देखा नहीं, लेकिन कह रहा था वो उसे पहचान लेगा, इसलिए कि वो सफेद सूट में होगा। 80 लाख के हीरे, 18 तारीख, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, सफेद सूट। रवि जी, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट निकली तो ये समझ लो कि तुम लखपति हो गए। बैठो। अरे नहीं नहीं, इतना भी अमीर नहीं बनना चाहता मैं। 10% मिलेगा, समझे? मेरा कहना मानो तो अभी से अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे छोड़िए विनोद साहब, मुझे तो लगता है कि अगर मैं लखपति भी हो गया ना तो मैं कुमारा का कुमारा ही रहूंगा। क्यों क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? अब मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया भर में दादागिरी करता फिरता हूं, लेकिन जब उसके सामने जाता हूं अपना हॉर्न फेल हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। अब शादी क्या करूंगा, पहले बात तो करूं मैं। देखो एक काम करो, अगर लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती तो लड़की के बाप से बात करो, इसलिए कि उसके बाप से तो बात करनी है। सीधी तरह जाओ और कहो नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ रवि बेटे, आओ आओ आओ। अरे भाई लागू, जीते रहो बेटे। अरे भाई कहाँ हो, दिखाई नहीं देते, ठीक तो हो? जी हाँ ठीक हूँ। वो क्या है, काम आजकल ऐसे आ गए? मतलब ये कि आजकल गैरेज जोरदार चल रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। बैठो 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 बैठो। भाई काम तो वो जो अपना हो, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपना गैरेज खोल लिया, वरना साहब आजकल तनख्वाह में आदमी खुद क्या रहे और क्या फैमिली को सपोर्ट करे। जी हाँ ये तो है, लेकिन अंकल गैरेज हो तो फैमिली को सपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन फैमिली भी तो होनी चाहिए ना। अरे भाई तुम्हारे मजे हैं, न जोरू न जाता,
एक तुम हो और दूसरी तुम्हारी मदर, तुम पे कुछ जिम्मेदारी भी तो नहीं है ना? जी हाँ ये तो है, लेकिन आदमी पे थोड़ी जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए, वरना वो बड़ा गैर जिम्मेदार हो जाता है। हाँ ये बात तो है, तो एक काम करो ना बेटे, शादी वादी कर डालो, क्या ख्याल है? कर डालू? बिल्कुल, कोई लड़की वड़की है? जी जी एक लड़की तो है। अरे हाथ मिलाओ यार। थैंक यू सर। इस वक्त घर में कोई नहीं है, जरा खुल के बताओ सारा, मेरा मतलब है सिलसिला। जी बस इतना है कि एक लड़की है। तुम तो बहुत तेज निकले यार, अमामी यहाँ बात-बात भी कर डाली होगी तुमने। जी बस वही तो नहीं कर पाता, वरना आपके पास क्यों आता मैं? अरे घबराओ मत, हम निकालेंगे कोई तरकीब। लड़की तो पसंद करती है ना तुम्हें? पसंद तो करती है। और घर वाले? वो घर वाले कोई तो होगा, बाप वाप। बाप वाप? ओफो, मैं पूछ रहा हूँ बाप है कि मर गया साला? नहीं साला जिंदा है, मेरा मतलब पिताजी है उसके, भगवान उम्र लंबी करे उनकी। भाई वाह 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 वाह, बड़े अच्छे ख्याल है बेटे तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, लड़की के घर वालों से तुमने बात की? बात की नहीं, करना चाहता हूँ। तो कर लो। इनकार हो गए तो? अरे फिर वही उल्टी बात, अरे साले बाप का दिमाग खराब होगा तो इनकार करेगा? दिमाग तो खराब नहीं है ना? नहीं ऐसा कोई खास नहीं। तो फिर कमी क्या है तुम में? अरे भाई खूबसूरत हो, जवान हो, फिर इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात मानो तो बात कर लो उससे। मगर कैसे करूं? अरे भाई साफ साफ कह दो कि मैं तुम्हारी लड़की, क्या नाम है उसका? शीतल। हाँ तुम्हारी लड़की शीतल से शादी। शीतल जी आप ही ने कहा कह दो, तो मैंने सोचा कह दूं। ओ तो ये बात है। माँ, अरे माँ किधर है? माँ क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ क्या हुआ? अरे हंगामा हो गया माँ, क्या कर रहा है? छुट्टी हो गई, चल। अरे बता तो क्या हुआ? क्या बताऊँ माँ क्या हुआ, बस हो गया, ये तो होना ही था। बात ये हुई माँ कि आज मैंने सोचा कि शीतल के फादर से बात कर ही डालो, बस पहुँच गया वहाँ सीधा। बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, कहने लगे जब शीतल को ऐतराज नहीं तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, बस बात पक्की समझो माँ, पक्की पक्की पक्की। तो तूने शीतल के पिता से शादी की बात कर ली? हाँ माँ आज अभी वहीं से तो आ रहा हूँ। असल में ये सारा आइडिया इंस्पेक्टर साहब का था, कहने लगे लड़की से क्या, लड़की के बाप से बात करो। हमने कहा कर लेते हैं, जिंदाबाद। आई टेल यू इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। अरे ये अच्छी खबर इंस्पेक्टर साहब को तुम सुनाना भूल गए? मैं वही जाता हूँ। माँ तुम एक माँ, ये क्या माँ, बचपन से यही देख रहा हूँ, तुम जरा सी भी खुश होती हो तो आंसू छलक आते हैं, ना जाने कितने आंसू छुपा के रखे तुमने, क्या ये कभी खत्म नहीं होंगे माँ? ये तो जिंदगी के साथ ही खत्म होंगे बेटा। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि तेरी शादी हो रही, आज बिल्लू होता तेरे पिताजी होते, आज तेरी शादी हो रही है और दुनिया में कोई नहीं जिसके साथ मैं अपनी खुशी बांट सकूं। माँ, नहीं माँ। आखिर मैंने उस खूनी उस हत्यारे का क्या बिगाड़ा था, क्यों उसने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया? माँ माँ तुम मुझे वो तस्वीर दो, वो आधा टुकड़ा कहाँ है वो? क्यों तो मुझे दो तो सही। मैं इंस्पेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ माँ, उन्हें ये तस्वीर दिखाऊंगा और कहूंगा इंस्पेक्टर साहब यह अधूरा चेहरा उस दरिंदे का है जिसने मेरे माँ के दिल में गम और आंखों में आंसू भर दिए, और आप ही हैं जो उसे ढूंढ सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे माँ। जा रहा है तो खाली हाथ मत जाना, शादी की खबर हमेशा मिठाई के साथ सुनाते हैं। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, क्या? एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, तुम ही समझ लो समझ में
जो आए। एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए, तुम ही समझ लो समझ में जो आए। समझ लो समझ में जो आए। बुरा न मानो तो बात कह दूं पूरी, तुम्हारे बिन है मेरी जिंदगी अधूरी। बुरा न मानो तो बात कह दूं पूरी, तुम्हारे बिन है मेरी जिंदगी अधूरी। कभी मेरी बाहों पे ये जुल्फ जो बिखरे, कभी मेरे घर जो ये चांदनी उतरे, तो जिंदगी मेरी क्या हो जाए। तुम ही समझ लो समझ में जो आए। हमसे कहीं नहीं जाए, तुम ही समझ लो समझ में जो आए। अरे मगर बात क्या है? बाद में बताऊंगा, मगर तुम मुझे अभी इसी वक्त अपने जेडी साहब के पास ले चलो। फिर वही रतन सिकंदराबाद एक्सप्रेस में जो सफेद सूट पहने हुए आदमी 80 लाख के हीरे ला रहा है, पुलिस को उसके बारे में खबर है। पर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मिसेस मेहता, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? लड़कियों के लिए लाइब्रेरी तो अच्छी होनी ही चाहिए। जोगेश्वर दयाल जी, हम आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करना चाहते, आप जितना मुनासिब समझे तो ठीक है। वो एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ कौन कहता? आई सी, उसे मेरे पास ले आओ। माफ कीजिए, एक बहुत जरूरी काम निकल आया इसलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और हाँ, आप कभी भी आकर अपनी लाइब्रेरी के लिए चेक ले जाइएगा। जी थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते।
नमस्ते। तुमको कैसे पता चला कि आज 2 बजे सिकंदराबाद एक्सप्रेस से हमारे लिए कोई हीरे लेकर आ रहा है? सर वो हुआ ये कि मैं... तुम चुप रहो, रतन ने बताया। जी हाँ। रतन को तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि पुलिस को हीरों की इंफॉर्मेशन है? उस इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर मेरे ही गैराज में अपनी गाड़ी बनवाता है। बातूनी आदमी है और मुझे अपना दोस्त भी समझता है, उसी ने बताया मुझे। आई सी। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है तो भी अब क्या हो सकता है, 2 बजे वो ट्रेन वीटी स्टेशन पर होगी और 2:01 बाद वो हीरे उस आदमी समेत पुलिस के कब्जे में है। क्या हो सकता है, किस तरह उस आदमी को खबर की जा सकती है कि... एक तरकीब है जेडी साहब, पुलिस तो सफेद सूट वाले आदमी का इंतजार वीटी स्टेशन पर कर रही होगी। अगर हम बंबई पहुंचने से पहले वो हीरे ले लें तो... वक्त कहां है? बंबई से पहले सिकंदराबाद एक्सप्रेस लोनावाला में रुकती है, 12 बजे, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। कार कितनी भी तेज चलाई जाए लोनावाला पहुंचने में कम से कम 2 घंटे चाहिए। कार 1 घंटे में लोनावाला पहुंच सकती है, शर्त यह है कि चलाने वाला मेरे जैसा हो। अच्छा, अगर तुम वक्त पर पहुंच सको और ट्रेन में उस आदमी को ढूंढ सको तो ये सिक्का उसे दे देना, वो तुम्हें हीरों का ब्रीफकेस दे देगा। अगर वो आदमी ट्रेन में हुआ और अगर उसके पास हीरे हुए तो शाम तक वो हीरे आपके पास यहां होंगे। टेक केयर बॉय। तुम जानते हो मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? अरे भाई साहब आगे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट। अरे डार्लिंग हम भी जाएगा, पकड़ो बोतल। कृपया ध्यान दें, सिकंदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। गाड़ी थोड़ी देर में बॉम्बे वीटी के लिए रवाना होगी। चिकी वाला, अरे वहाँ बता बहरा है क्या? कोई सुनता नहीं? अरे तुम अंधा है क्या? तुम देखता नहीं कि डोर पे हम खड़ा है? आई एम सॉरी, लेकिन डोर आने जाने के लिए होता है, खड़े होने के लिए। ओह हाउ स्वीट। चिकी वाला, हमने चिकी लिया नहीं और तुमने ट्रेन चालू कर दिया,
गार्ड साहब, अगले स्टेशन पर हमको चिक्की मिलेगा क्या? हम तो वीटी स्टेशन पर चिक्की लेने के बाद उतरेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, अब अगला स्टेशन वीटी ही आएगा। Your attention please. Secunderabad Express has just arrived at platform number 11. Excuse me. आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। पाटिल सर, कुछ मिला? उस आदमी की तलाशी मैंने ले ली है, उसके सामान की भी तलाशी ली। उसके पास हीरे वीरे तो कुछ है नहीं। लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? That's not possible. सर जस्ट अ मिनट, आप जरा उस औरत से बात कर लीजिए। क्यों, कुछ बताया उसने? सर बाकी तो उस कंपार्टमेंट के किसी मुसाफिर ने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये मिसेज बाटली वाला का कहना है कि लोनावाला स्टेशन पर जब गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी थी तो उस आदमी ने एक ब्रीफकेस एक लड़के को दिया। Oh, I see. Follow me, come on. क्या आप उस लड़के की शक्ल सूरत के बारे में कुछ बता सकती? Oh, he was so sweet. Very young, very handsome. गोरा चित्ता, बिल्कुल दूध का माफिक, बड़े बड़े आंखें और... Very good, very good, very good. क्या मुझे ये बता सकती हैं कि उसने कपड़े किस किस्म के पहने थे? Clothes? I don't know. हम तो सिर्फ उसका face देखा. Face, very cute. Oh yes, वो जरूर कोई musician होगा. उसके गले में कुछ locket के जैसा एक mouth organ लटका था. थोड़ी देर के लिए मुझे भी यकीन हो गया था कि ये कंसाइनमेंट पुलिस के हाथों से नहीं बच सकेगा, मगर तुमने कमाल कर दिया। ये लो बलवन जी, रवि आओ मेरे साथ। रवि जी, ये हीरे 80 लाख के हैं। अगर तुम इन्हें पुलिस तक पहुंचा देते तो तुम्हें 80 लाख के 10% यानी 8 लाख रुपए मिल जाते, जानते हो? जानता हूं, लेकिन तुम इन्हें पुलिस से बचाकर यहां ले आए, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हें कितना मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं जेडी साहब, आपने मुझे काम पे रखा और जो कुछ भी मैंने किया वो तो मुझे करना ही चाहिए सर। होशियार आदमी हो, जल्दबाजी से काम नहीं लेते। जानते हो मेरे साथ काम करोगे तो इससे ज्यादा कमाओगे। ठीक है, आज से मेरे होटल में तुम्हारे लिए एक स्वीट होगा। शहर की जिस दुकान से जो भी चाहो मेरे अकाउंट में खरीद सकते हो। जैसी भी कार चाहिए थडानी को बता देना, और तुम्हें जब जितने रुपयों की जरूरत हो होटल का मैनेजर तुम्हें दे देगा। मां, हैरान हो गई ना? अरे मां, ऐसे गराज वराज सब बंद, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई मुझे। रहने के लिए बेहतरीन होटल, घूमने के लिए फर्स्ट क्लास गाड़ी और खर्च करने के लिए जितना चाहिए उतना रुपया, और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? अगर ईमान की इतनी अच्छी कीमत मिले तो और क्या चाहिए? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं क्या कह रही हूँ मुझसे ज्यादा तू जानता है रवि। विनोद ने मुझे सब बता दिया है। विनोद? नाम मत लो उसका मां। वो किस मुंह से ईमान और ईमानदारी की बात करता है? पहले अपने गरेबान में तो झांक कर देखे वो खुद क्या। अरे छोड़ो मां, कुछ नहीं अकान बातों में। अगर मैंने कुछ कर लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अपने फायदे के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी जीत के लिए दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी जो बेमानी नहीं करता, अपने ईमान को नहीं बेचता? शाबाश, आज कितनी अकल की बातें बता रहा है अपनी मां को। लेकिन लेकिन अब क्या फायदा, ये बातें पहले जान लेती तो अच्छा था। तू बहुत छोटा सा था, मैं रात भर जाग जाग कर लोगों के कपड़े सीती थी, आंखें दुखती थी, कभी ऐसा लगता था मैं अंधी हो जाऊंगी। तब किसी ने ये नहीं बताया बेटा कि अपने आराम के लिए, अपने फायदे के लिए ईमान बेच देने में कोई हर्ज नहीं, वरना तुझे पालने पोसने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जवान थी,
खूबसूरत थी। माँ ये क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो? माँ अगर ईमान बेचने की बात भी करे तो बेटे के लिए गाली बन जाती है, और बेटा अपना ईमान बेच दे तो माँ के लिए गाली नहीं है? क्यों नहीं है? है। लेकिन माँ मैंने जो कुछ भी, जो मत मुझे, घिन आ रही है तुमसे, चले जाओ और आइंदा ये सूरत मुझे कभी नहीं दिखाना। माँ चले जाओ, जाओ। किसको कहे हम अपना, लोगों कहो खुदारा। किसको कहे हम अपना, लोगों कहो खुदारा। दुश्मन से बढ़ के निकला जो यार था हमारा, जो यार था हमारा। किसको कहे हम अपना, लोगों कहो खुदारा। दुश्मन से बढ़ के निकला जो यार था हमारा, जो यार था हमारा। जानते हैं हम कम नहीं किसी से, चाहे जो हमको लूटे ऐसे तो हम नहीं थे। दुश्मन भी जानते हैं हम कम नहीं किसी से, पर क्या करे कि उसने अपना बना के मारा। दुश्मन से बढ़ के निकला जो यार था हमारा, जो यार था हमारा। जालिम ने तोड़ डाली सब दोस्ती की रस्में, और भी है जिसने आकर वफा की कसमें। जालिम ने तोड़ डाली सब दोस्ती की रस्में। नादा है हम जो समझे अपना से दोबारा। दुश्मन से बढ़ के निकला जो यार था हमारा, जो यार था हमारा। हम आज भी उचाए देखो या न देखो, ये इख्तियार तुमको, दिखलाएंगे तमाशा
खुल कर कहो मेरी जान, करते हो क्या इशारा दुश्मन से बढ़ के निकला, जो यार था हमारा, जो यार था हमारा। वाह विनोद कुमार साहब, वाह वाह, दोस्त जैसे भी हो आदमी मजेदार है। हमको यह काम है कि जिसे अपना समझा उसने पीठ पर छुरा मार दिया, और आप इसलिए नाराज हैं कि मरने वाला ने आपको पीठ दिखाई क्यों थी। आते भाई, सुनते आए थे लेकिन आज देखा है उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांटता है। इस वक्त तुम नशे में हो, कल सवेरे जब नशा उतरेगा तो अपने आप से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा कि कौन चोर है और कौन कोतवाल। चलो शीतल। अरे ओ छिपकली, इन खटारों में क्या रखा है जो ऐसे टुकुर टुकुर देख रही है, चल अंदर। गुरुजी मैं तो यूं ही बैठी थी, चलिए 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 अंदर चलिए। एक बात बता, तू सच्ची बहुत प्यार करती है उससे? किससे क्या? अब ज्यादा ना बन चुड़ैल, किसको क्यों कैसे, लट्टू महाराज को सब खबर है। क्यों घुट घुट के मरी जा रही है दीवानी, ये आंसू पोछ और मेरी बात सुन। तेरे दिल की लगन सच्ची है तो देख लेना, आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा, समझी? देख लेना रवि, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। शीतल जानती हो, मुजरिम की जिंदगी एक कागज की नाव की तरह होती है, जो बहुत दूर तक और बहुत देर तक नहीं चल सकती। लेकिन वो मुजरिम है तो अब तक तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बगैर सबूत के गिरफ्तार करने से क्या फायदा, कानून सबूत मांगता है। देख लेना, एक दिन उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। 11:15 बज गए, सेठ लखू नारायण के आदमी ठीक 11 बजे पहुंचने वाले थे, पता नहीं क्या हुआ उनको। लगता है ये सोना बुना नहीं चाहिए। भागने की कोशिश बेकार है, हाथ उठा इस सामने आ जाओ। देख सुधीर, मैं तुम्हें कवर करता हूं, तुम सोना लेके यहां से निकल जाओ। आखिरी वार्निंग देता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। उसके नीचे जा पवार। ओके सर। सर लगता है वो आदमी अंधेरे में कहीं निकल गया। लेकिन दूसरा आदमी यही है, इस एरिया को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। कौन है? गीता मैं हूँ रवि। रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस मेरे पीछे, गीता मैं पुलिस से भाग रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में खून? नहीं, ऐसी ऐसी मामूली सी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी चले जाऊंगा। चारों तरफ पुलिस है रवि, तुम जाओगे कैसे? जब तक वो चले नहीं जाते तुम यही ठहर जाओ। मैं यहाँ रुक सकता हूँ? कैसी बातें करते हो रवि, ऑफ कोर्स। लेकिन 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 किसी को खबर नहीं होगी? खबर नहीं होगी, माँ और पिताजी को अचानक नागपुर जाना पड़ा, वहाँ मामा जी को हार्ट अटैक हो गया है। तुम बैठो, मैं पट्टी कर देती हूँ। बैठो रवि। गीता, तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं, ये भी नहीं जानना चाहते कि पुलिस मेरे पीछे क्यों है। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुश्किल में हो और मुझे तुम्हारा साथ देना है। मेरे लिए इतना जाना काफी है रवि। गीता,
ऐसे क्या देख रहे हो रवि? सोच रहा था इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो दूसरों को जख्म देते हैं और एक वो जो दूसरों के जख्मों का इलाज करते हैं। मैंने अपने बहुत दिन बर्बाद किए उन लोगों के लिए जो जख्मों के सिवा और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अब नहीं करूंगा। गीता, मैं आज तक तुम्हें देख ही नहीं सका, समझ ही नहीं सका। तुम नहीं देख सके तो मुझ में ही कोई कमी होगी रवि। नहीं गीता, कमी थी मेरी नजर में, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं गीता। रवि, गीता, ये लो मेरा एड्रेस। क्या पता मैं आ सकूं ना आ सकूं, लेकिन हो सके तो तुम मुझसे जरूर मिलती रहना। लेकिन रवि, तुम्हारा जाना बहुत मुश्किल है, पुलिस को यकीन है कि तुम यहीं कहीं छुपे हो, चारों तरफ अभी तक पैरा है, तुम जाओगे कैसे? ये मैं नहीं जानता गीता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। कोई तो रास्ता होगा। एक तरकीब है, तुम ठहरो, मैं भी आती हूँ। हाँ, ये क्या कह रही है कलमुही, कैसी मुसीबत में पड़ गई है तू जन्म जली? मुसीबत में तो पड़ चुकी गुरुजी, अब निकलने का रास्ता बताइए, चारों तरफ पुलिस है, रवि निकले तो कैसे निकले? ना निकले, अच्छा है पकड़ ले जाए पुलिस उस नाम मुराद कमबख्त को। गुरुजी, मेरे लिए कुछ तो सोचिए। तुम्हारे लिए? हाँ। तो सोचना ही पड़ेगा, लो सोच लिया। अरे बच्चियों, उठाओ तबला पेटी और चलो हमारे साथ। लेकिन गुरुजी, तबला पेटी से क्या होगा? अरे एक तरफ ताक दिना दिन और दूसरी तरफ भागम भाग, समझी? समझ गई। प्यारे नन्ना दुइया नाना दुइया, प्यारे नन्ना दुइया, अरे प्यारे नन्ना दुइया, सरोता कहाँ फूल आए, प्यारे नन्ना दुइया, सरोता कहाँ फूल आए, प्यारे नन्ना दुइया, सरोता कहाँ फूल आए, अरे प्यारे नन्ना दुइया, सरोता कहाँ फूल आए। एक एक मकान की तलाशी लो, चलो घर जाओ, चलो जाओ। छैला पनवाड़ी से नजर लड़ी गुइया, छैला पनवाड़ी से नजर लड़ी गुइया, आहे छैला पनवाड़ी से नजर लड़ी गुइया, मैं बेचारी हाय हाय होए होए, मैं बेचारी पान खाऊं चूना चाटे सैया, सरोता कहाँ फूल आए, कहाँ आए प्यारे नन्ना दुइया, सरोता कहाँ फूल आए। हम एक स्मगलर को ढूंढ रहे हैं, क्या आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? छैला हलवाई से नजर लड़ी गुइया, अरे छैला हलवैया से नजर लड़ी गुइया, मैं बेचारी
अरे मैं बेचारी रबड़ी खाऊं पत्ता चाटे सैया सरो का कहां फूल आए आए प्यारे नन्न तुइया सरो का कहां फूल आए हाय 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 ओए ओए हट जा मुए नहीं तो बिच्छू बनके डंक मारूंगी हाँ अरे मैं बेचारी बच के निकली पकड़े गए सैया सरोता कहाँ भूल आए तुइया कहाँ आए नन्ना या ओए ओए अरे जा बनके हाय 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 ओए ओए हाय 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 नन्ना तुइया सरोता कहाँ आए नन्ना या सरोता बोला बच्चियों लट्टू महाराज की और उसके बाद उसी दिन मैंने रवि को अपने घर से निकाल दिया। अब वो यहाँ नहीं रहता। आपने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो एक लेकिन आप यहाँ अकेले इस घर में कैसे रहेंगी? परेशान मत हो बेटा, बहुत आराम से ना सही लेकिन ईमानदारी से भी गुजर बसर हो ही जाती है। माँ जी, मैं चाहता हूँ आज शाम आप मेरे घर आइए, समझूंगा घर मंदिर हो गया। भले मानस हो इसलिए इतना मान दे रहे हो, मैं जरूर आऊंगी। मैं समझ सकता हूँ विनोद कि तुम्हें रवि की माँ क्यों इतनी अच्छी लगी। जो लोग बचपन में अपनी माँ खो देते हैं, मौत के हाथों या जिंदगी के, उम्र भर हर औरत में अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं। अगर आपकी ये थ्योरी सही भी है तो मुझ पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ना तो जिंदगी भर आपने मुझे बाप की कमी महसूस होने दी ना माँ की। हाँ एक बात जरूर है, जब भी मैं रवि की माँ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल वैसी होती। आज 5:30 बजे आने वाली है, आप देख लीजिएगा कि मेरा ख्याल सही है या गलत। हाँ सही होगा। कितने बजे कहा? 5:30। हाँ तब तक तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये दवाइयाँ लेने आप क्यों जा रहे हैं? कल मैं ले आऊंगा ना। अरे दवाइयाँ लाने का तो एक बहाना है, मतलब ये कि जरा इस बहाने सैर सपाटा हो जाएगा। तो फिर 3 बातें याद रहे, आहिस्ता चलिएगा, भाग के बस मत पकड़िएगा और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगा, याद है बस। लेकिन ठीक है। इन सब का बिल बना दीजिए। जी अच्छा। ये वाला लाइट दीजिए। आपके पास वो म्यूजिकल लाइट है? मैंने आपको कहीं देखा है, ये चेहरा आप पूना के हैं? जी हाँ, तुम ही हो वो खूनी। मैंने पहचान लिया तुमको, तुम ही हो वो खूनी। देखिए मिस्टर, क्या कह रहे हो?
सतीश गुप्ता ने तुम्हारी तस्वीर खींची थी जिसका तुमने खून कर दिया था, क्या कर रहे हो? पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। श्यामचा, मैं यही हूँ। तुम्हारे बाप का खूनी, मैंने उसे देखा जी। ये मेरी आंखों अंधेरा अंधेरा क्यों हो रहा? लड़की यहाँ? जी, ये लड़की रवि से मिलने के लिए कई बार यहाँ आ चुकी है। दोनों का कोई चक्कर है? क्यों, क्या बात है? बूढ़ा जब मेरा पीछा कर रहा था तो इसी लड़की ने मुझे रोका था। इसने? तुम लोग इसका पीछा करो, और हाँ, होशियारी से। रवि बहुत काम का लड़का है, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि इस लड़की की मौत मेरे हुक्म और तुम्हारे हाथ हुई है। ठीक है। रोको, ये जगह ठीक है। Thank you.
भागी जा रही है दीवानों की तरह। गुरुजी, गुरुजी। अरे तू तो बड़ी बौखलाई है, बात क्या है री? गुरुजी, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अच्छा अब तू मेरे पीछे आ जा। क्यों भैया, क्या सड़क पर चोर सिपाही खेल रहे हो? अबे ओ लुके चरखे, बीच से हट, हमें ये लड़की चाहिए। ये भी अच्छी कही, ये तुम्हारे बाबा का माल है क्या? नहीं, अपना माल है, चल हट। गुरुजी। आ गए होश ठिकाने, साला छक्का। निगोड़े, हाय हाय, तू तो ठीक है जन्म जली? हाँ गुरुजी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे तू जानती नहीं, जब तक सीधे हैं सीधे, हाँ जब बिगड़ गए तो बस, समझी? हाँ। आ तुझे घर छोड़ दूँ। हाँ। हाँ, चल। ये तो पक्का है कि वो इसी शहर में रहता है और इसलिए उसे डर भी होगा, गीता उसे दोबारा भी देख सकती। अगर वो इस शहर में ना रहता होता तो वो गीता पर हमला ना करवाता। खैर कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी। बस बस मुझे यहीं जाना है। यहाँ किसे मिलना? जोगेश्वर दयाल जी से, नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, लेकिन इतने बड़े साहूकार आदमी से तुम्हारा क्या काम है? बस कुछ चंदा वंदा लेना है। तुम कुराई भीत जाओगे और पता लगाओ आजकल वहाँ पुलिस का क्या बंदोबस्त है। कस्टम की बोट दिन में कब और कितनी बार वहाँ से गुजरती है। ओके ओके, जल्दी। Yes? जी, मुझे जोगेश्वर दयाल जी ने बुलाया है। आप बैठिए, वो भी आते होंगे। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम जितनी भी होशियारी से काम ले, पुलिस भी कम चालाक नहीं है।
भाई मेरी चार मोटरबोट्स करोड़ों का सोना लिए बंबई से 50 मील दूर समुद्र में खड़ी हैं, पर सवाल यह कि सामान उतराऊं तो कहां? इन दिनों हर तरफ तो पुलिस फैली हुई है। हाँ हाँ, मैंने अपने आदमी को गोराई बीच देखने भेज दिया है, अगर इंतजाम हो गया तो बोट्स वहीं आ जाएंगी। ओके, सही हूँ। कैसे तकलीफ किया आपने? जी वो लाइब्रेरी के फंड में आपने। ओ अच्छा 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 अच्छा, आपका चेक तैयार है, आप मेरे कुलाबा वाले ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू जी। कब आई आप? मेरा मतलब है ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आए तो अभी एक मिनट भी नहीं हुआ। ओ अच्छा अच्छा, खड़ी क्यों है, आइए बैठिए। नहीं जोगेश्वर दयाल जी, इजाजत दीजिए, आज मेरे कॉलेज यूनियन का फंक्शन है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, कम से कम मुझे तो टाइम पे पहुँचना चाहिए। ये बात है तो मैं नहीं रुकूंगा, इसलिए कि इंसान का जो फर्ज है वो पहले पूरा होना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। जानती हो तुम क्या कर रही हो शीतल? जोगेश्वर दयाल इस शहर के चंद इज्जतदार लोगों में से है। लेकिन मैंने तुम्हें जो बताया है अपने कानों से सुना है। जोगेश्वर दयाल एक स्मगलर, जोगेश्वर दयाल इस शहर का सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जोगेश्वर दयाल जिसके चंदे। वेट अ मिनट, जोगेश्वर दयाल JD, यही नाम तो मुझे रवि ने बताया था। खाने में क्या लाए सर? जो बेहतरीन खाना हो ले आओ। ओके सर। खा लो ये बेहतरीन खाना, वरना जेल में जाने के बाद सूखी रोटी और दाल के सिवा और क्या मिलेगा। JD, कौन हो तुम? मैं विनोद, इंस्पेक्टर विनोद कुमार। इंस्पेक्टर विनोद कुमार, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कौन हो, JD। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर बैठने की, मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें जुर्म करने से डर नहीं लगता, मुझे मुजरिमों से डर नहीं लगता, अपनी अपनी हिम्मत है JD। तुम टके के आदमी, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम चीज क्या हो? यही तो बताने आया हूं कि मैं चीज क्या हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा, JD। सर ट्राई दिस सूप, आपको जरूर पसंद आएगा। इस टेबल से फौरन उठो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। ओह आई एम रियली सॉरी, लगता है कि ये बेहतरीन खाना जेल जाने से पहले भी तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बाय बाय JD। छोड़िए JD साहब, कुत्ता अगर भौंके तो उसकी परवाह नहीं करते। तुम ठीक कहते हो बलवंत, कुत्ता अगर भौंके तो उसकी परवाह नहीं करते, मगर कब तक? अगर कुत्ता 2 मील 3 मील तक तुम्हारे पीछे भौंकता जाए तो तुम उसकी परवाह करोगे? तुम बोर होकर जेब से पिस्तौल निकालोगे और उसे गोली मार दोगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन शायद आप एक बात नहीं जानते कि अगर विनोद की मौत आपके हुक्म से हुई तो वो अपने खानदान का पहला आदमी नहीं होगा जिसकी मौत आपकी मर्जी से आएगी। मैं समझा नहीं। आपने मुझसे कहा था कि मैं उस बुड्ढे के बारे में पता करूं जिसने आपको पहचान लिया था। कौन है वो? है नहीं, था।
मर गया। आपको याद होगा बरसों पहले पूना में उस फोटोग्राफर की दुकान, आपने जिस आदमी को खत्म कर दिया था, इंस्पेक्टर विनोद उसी का बेटा है। आई सी। तो इसका मतलब हुआ कि इस खानदान में हमारे हाथों मरने का रिवाज बहुत पुराना है। तो क्या ऐसे भी आप अपने ही हाथों? नहीं बलवंत, दिल तो बहुत चाहता है, मगर इस उम्र और इस पोजीशन में हम खुद किसी का खून करने जाएं अच्छा नहीं लगता। देखो, ये काम पूरी होशियारी के साथ होना चाहिए, इसलिए इस काम के लिए उसे चुनो जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो और जिस पर यकीन हो कि वो नाकाम नहीं होगा। तो फिर वो मेरे सिवा और कौन हो सकता है जेडी साहब? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और मैं आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ। कहिए क्या काम करना होगा? तुम नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते। कहकर तो देखिए। अच्छा, फोन कर सकते हो? हाँ, इंस्पेक्टर विनोद कुमार का हूं, कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था तुम ये काम नहीं कर सकते। ये बात नहीं जड़ी साहब, मैं खून कर सकता हूं मगर विनोद कुमार का नहीं। क्यों? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो मेरा दुश्मन है, उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है मेरे पास। और अगर इन हाथों से कभी किसी का खून हुआ तो सिर्फ इसका होगा। यह अधूरी और धुंधली तस्वीर मेरे बाप की खूनी की है जेडी साहब। अगर आज इस अधूरी तस्वीर को कोई पूरा कर दे, अगर आज मैं इस धुंधले चेहरे को पहचान सकूं तो मैं आज ही खून कर सकता हूं। जेडी साहब, मैं अपने बाप के खून के 3 महीने बाद पैदा हुआ था और जब से मैंने आंख खोली मैंने सिर्फ अपनी मां की सुनी मांग और भीगी आंखें देखी। जेडी साहब, अगर ये आदमी मुझे आज मिल जाए तो मैं तुम्हारा बाप फोटोग्राफर था और उसका खून पूना में हुआ था। आप कैसे जानते हैं? बोलिए, आप कैसे जानते हैं? इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाप का खूनी कौन है। कौन है बता सकता हूं, मगर सवाल यह है कि क्या तुम ये जानने की कीमत देने को तैयार हो? जो भी कीमत हो जेडी साहब, मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे लिए विनोद का खून कर दो, मैं तुम्हारे बाप के खूनी का पता तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इस खूनी तक पहुंचने के लिए खून भी करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। बोले, कब करना होगा? जितनी जल्दी हो सके, आज, अभी, इसी वक्त। और मेरे बाप के खूनी का पता? वो मिल जाएगा, मेरा वादा है। बलवंत, ये तो सुना था लोहा लोहे को काटता है, अब देखना यह है कि भाई भाई को किस तरह मारता है। Thank you.
तस्वीर का टुकड़ा तुम्हारी जेब में से? हाँ, क्यों? परसों पहले पुणे में एक फोटोग्राफर था जिसकी बीवी का नाम सुधा था और उनका एक बेटा था। उनके यहाँ दूसरी औलाद होने वाली थी, लेकिन उस फोटोग्राफर ने गलती से यह तस्वीर खींच ली। फोटोग्राफर का खून हो गया, बेटा अपनी माँ से बिछड़ गया, लेकिन तस्वीर का एक टुकड़ा बेटे के पास रह गया और दूसरा टुकड़ा हमारी माँ के पास था। भाई, तुम रवि मेरे भाई, वो मेरी माँ, और आप मेरे भाई। मुझे माफ कर देना। नहीं रवि, नहीं। इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर विनोद दो दिन से लापता है और पुलिस हैरान है कि कहां चला गया। जेडी साहब, इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। इंस्पेक्टर विनोद कुमार वहां चला गया जहां से कभी लोग वापस नहीं आते। ओ, तो ये तुम्हारा काम है। देखा बलवंत, इस लड़के ने मुझसे वादा किया था कि ये विनोद को खत्म कर देगा और अब ये मेरे सामने खड़ा है और झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोला जेडी साहब। अगर तुमने विनोद कुमार का खून किया तो दो दिन पहले किया होगा, क्योंकि पेपर में खबर छपी है कि विनोद कुमार दो दिन से लापता है। तुम्हें तो परसों ही मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि तुम तो बहुत बेताब थे अपने बाप के खूनी के बारे में जानने के लिए। जेडी साहब, मैंने विनोद कुमार का खून शहर से बहुत दूर कसारा घाट में जहाँ एक फैक्ट्री स्ट्राइक होने की वजह से वीरान पड़ी है वहाँ किया। उसके आसपास मुझे कोई देखने ले, इसलिए रात भर वहीं छुपा रहा और दूसरे दिन जंगल के रास्ते से शहर वापस आया हूँ, इसलिए मैं दो दिन बाद आया हूँ। आई सी। तो विनोद कुमार शहर से दूर उस स्ट्राइक वाली वीरान फैक्ट्री में क्या कर रहा था? मैंने उसे एक गुमनाम टेलीफोन किया और कहा कि अगर वो वहां अकेला आ जाए तो मैं उसे बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और वो आया। हाँ। और तुमने उसे मार डाला। जी। कहानी दिलचस्प है। अगर तुमने विनोद कुमार का खून उस वीरान फैक्ट्री में किया जहां स्ट्राइक है, तो उसकी लाश अभी वहीं पड़ी होगी, क्योंकि पुलिस को उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। चलो चलकर देखते हैं। चलो किधर चलना। क्या हुआ? यही कहीं मारा था तो लाश भी यही कहीं होनी चाहिए। हाँ, यही कहीं तो होनी। धुलाई करो इसकी। ठहरो, रुक जाओ। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया जेडी साहब। तो तुम सच बोल रहे थे? हाँ, मैं इतना गलत कैसे समझा? ये क्या होता जा रहा है मुझे? लेकिन अब तो आपने सब देख लिया जेडी साहब। अब मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कौन है मेरे बाप का कातिल? मैं ही तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा, और यही दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बात तुम्हें किसी और से पता चले। तुम्हारे बाप का खून मैंने किया था। जेडी, तुमने अपने बाप के कातिल के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के कातिल के बारे में बताता हूं। उसका नाम है रवि। हां, खुद तुम। ये विनोद जिसको तुमने मार डाला वो तुम्हारा भाई ही था। था नहीं है जेडी।
बड़े घाघ आदमी हो जेडी, मगर माफ करना आज मात हो गई तुम्हें। मैं जानता था जब रवि तुम्हारे पास आएगा तो पहले तुम उसका यकीन नहीं करोगे। मैं जानता था कि तुम मेरी लाश अपनी आंखों से देखना चाहोगे, और मैं ये भी जानता था कि एक बार तुम्हें यकीन हो गया कि जिसका खून तुमने पूना में किया उसका एक बेटा मर चुका और दूसरा मरने वाला है, तो तुम्हारे गुनाहों का इकरार तुम्हारी जुबान पर आ ही जाएगा, जो आ गया। वेरी स्मार्ट इंस्पेक्टर विनोद कुमार, वेरी स्मार्ट। मैंने ये इकरार तुम दोनों के सामने किया है, किसी जज या अदालत के सामने तो नहीं, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अदालत में तुम दोनों की गवाही की कीमत 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं होगी। चालाक आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है जेडी, वो दूसरों को बेवकूफ समझता है। रवि के पास एक टेप रिकॉर्डर है और तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसमें टेप हो चुका है। कोई मुझे थप्पड़ मार के भूल जाए मगर मैं याद रखता हूं जेडी। कमीने, तू समझता था एक भाई के हाथों दूसरे का खून करवा के अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगा? रवि, इधर देखो, रिवॉल्वर फेंक दो विनोद। जो मेरे साथ बदतमीजी करे भूलता उसे मैं भी नहीं हूं। देख रहे हो विनोद, चालाकी इसे कहते हैं। ले आओ बलवंत, मेरे दोनों ट्रम्प कार्ड यहां ले आओ। माता जी के साथ इंस्पेक्टर साहब की ये हसीन जासूस को कहां से उठा लाए? बुढ़िया को बैठी तसल्लियां दे रही थी, मैंने सोचा चलो इसे भी साथ ले चलते। अच्छा किया ले आए, इनसे भी तो कुछ हिसाब किताब करना है हमें। पहले टेप। हाँ तो बेटे, वो टेप रिकॉर्डर इधर लाओ। कौन सा टेप रिकॉर्डर? मेरे पास कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है। तलाशी लो इसकी। सर, इसके पास कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है। कहाँ है वो टेप रिकॉर्डर? मुझे नहीं मालूम, जरा ठीक से पकड़ो। बोल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। टेप रिकॉर्डर रवि के पास नहीं है। फिर कहां है वो टेप रिकॉर्डर? मैं नहीं जानता। बहन जी, आपका बड़ा बेटा आपके चरणों में है, आशीर्वाद दीजिए कि आसानी से मर सके। माता जी, ये फैमिली ड्रामा छोड़िए। बलवंत, एक मिनट में अगर इसके दोनों सपूत ये नहीं बताते कि वो टेप रिकॉर्डर कहाँ छिपा रखा है तो बुढ़िया को गोली मार दो। चलो जेडे। रवि, मां, जेडे ठहर जाओ, बताता हूं मैं। रुक जाओ बलवंत, मैंने वो टेप रिकॉर्डर अपनी जेब में डाल दिया। जब तुम माता जी को और शीतल को बंदूक दिखाकर यहाँ ले आए तब हम तुम्हारे पीछे पीछे पूरे रास्ते पड़े रहे। आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। हाँ तो जेडी, तुम टेप रिकॉर्डर के बारे में पूछ रहे थे। वो हुआ ये कि जब बलवंत माँ और शीतल को लेकर आया था तो हम दोनों यही खड़े थे और मैंने वो टेप रिकॉर्डर तुम्हारे इस जेब में डाल दिया था। मेरा ख्याल था कि तुम यहाँ नहीं ढूंढोगे। क्यों? ये रहा भाई हमारे बाप के कातिल का सबूत। Yeah.
निकल गए। पीछा करो। जय भगवान। अरे यहां तो कोई नहीं। जय, लगता है इनकी नई चाल है। ड्राइवर जंपर करो तो। लैंड नंबर टू। ओके, घुमाओ और वापस ले लो नए रास्ते से। जय, उस बुढ़िया को जाके बोल दो कि उसके दोनों बेटे भी उसके पति के पास पहुंच गए हैं। यस सर। चलो मूव। गिरफ्तार कर लो खूनी को। गिरफ्तार कर लो। खूनी वो होता है जिसके खिलाफ कोई सबूत हो। और तुमने अपने खिलाफ सबूत खत्म कर दिया। हाँ क्यों रवि? जेडे, जो टेप तुम्हारे पास था वो नकली था, असली ये तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा और यहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम्हें किसी और से पता चले। तुम्हारे बाप का फोन मैंने लिया था। जेडी, जेडी को जरा जेल की हवा तो खिलवाओ। ठीक है, तुम जीते मैं हारा। चलो इंस्पेक्टर।